हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान Tribunehindi.com पे हाजिर हूँ और यहाँ पर हम नागपुर में जो एक मास प्रोटेस्ट हो रहा है इस पे कुछ लोगों से बात करेंगे। कुल देश के हर नागरिक को जो ये संविधान के सपोर्ट में, उसको हर सड़क पे आना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहिए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा। और डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि लगेंगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान टोड़ी है। हर नागरिक के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये परेशान करने के अलावा ये झूठी गवर्नमेंट और गिरे पड़े प्रधानमंत्री, गिरे पड़े गृह मंत्री, ये समझ जाए कि जनता अब इनके झांसे में आने वाली है। मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक है। जियाउल हक साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है NRC और CAA के विरोध में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, एक्चुअल में ये देश समझ रहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बिल है। एक्चुअल में ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। ये सारे हिंदुओं के खिलाफ बिल है जो ये सरकार ने लेकर आई है। अच्छा, NRC जो कि पहले अभी असम में NRC लागू हो चुकी थी और उसके बाद वहाँ NRC कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर ये CAA बिल लाया गया, तो इसको आप कैसा देखते हैं? हाँ, असम NRC के बारे में क्या जानते हैं? असम में जो NRC करवाई गई थी उसमें 19 लाख लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में, जिसमें से जो BJP की जो मंशा थी वो ये चाहती थी कि मुस्लिमों का इनको देश निकाला किया जाए, लेकिन उसमें उनकी राजनीति बिल्कुल उल्टी पड़ गई। उसमें 13 लाख जो है गैर मुस्लिमों के, हिंदुओं के नाम आए। हाँ, तो इसीलिए उनको ये कैब बिल लाने की आवश्यकता पड़ी है देश में, क्योंकि NRC से तो उनका काम नहीं बन पाया था, इसीलिए उन्होंने कैब बिल ला के देश में देश को डिवाइड एंड रूल्स और ये नफरत की आग में जलाना चाहते हैं देश को BJP सरकार। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरे इंडिया में मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर शहर में, तो NRC और CAA के विरोध में जनता निकल पड़ी है? जैसे कि हमने देखा कल मुंबई में फरहान अख्तर हुए और सुशांत सिंह, इनके जैसे कई बॉलीवुड एक्टर भी बाहर निकले, आज भी कई बॉलीवुड एक्टर बाहर आए हैं। तो इस तरह के जो विरोध हैं, इससे क्या सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, देश के हर नागरिक को जो ये संविधान के सपोर्ट में, उसको हर सड़क पे आना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहिए। आप संविधान पे किस तरह से हमला मानते हैं? संविधान का जो आर्टिकल्स 14 है, जिसमें आम्बेडकर साहब, हमारे देश के जो आम्बेडकर जिन्होंने ये देश का संविधान लिखा, वो ये चाहते थे कि देश में सबको आज़ादी रहे, अपने भाषा की, अपने धर्म की, अपने धर्म चलने की, लेकिन BJP सरकार ये बिल लाकर उनके संविधान पे, उनके संविधानिक अधिकार पर हमला है ये। तो अमित शाह का कहना है कि हम, देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनका कहना है कि लोग इसमें बेवजह परेशान हो रहे हैं, लोग उनको गलत जानकारी दी गई है, वो समझ नहीं पाए, पहले समझना चाहिए, ऐसा कहना है गृह मंत्री का। तो आप इसको, उनके इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी जो कह रहे हैं और उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वो ये चाहते हैं कि देश में किस तरीके से भी डिवाइड हो और वो BJP सत्ता में बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इन्होंने क्या किया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो आने वाले नॉन मुस्लिम्स है, उनको ये रेसिडेंसी दे रहे हैं, सिटीजनशिप दे रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं उनको ये सिटीजनशिप नहीं दे रहे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट का तो कहना है कि इस पर बहुत मिसकंसेप्शन है करके। बिल्कुल मिसकंसेप्शन सही बोल रही है गवर्नमेंट, लेकिन उनके हिसाब से नहीं है, पब्लिक के हिसाब से। अगर वहाँ से अगर आप देखा जाए, अफगान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो कम से कम 4 करोड़ लोग गैर मुस्लिम्स हैं, उसमें का अगर 10% भी यहाँ आता है तो उनके लिए क्या प्रोविजंस है? अमित शाह ने कोलकाता में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम पहले CAA कैब लाएंगे और फिर उसके बाद NRC लाएंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कैब और NRC को मिला के ये खतरनाक होता है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे भाई? अगर NRC लाया जाता है, अभी अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए, तो अगर किसी से हम उसकी मास्टर डिग्री या कोई डिग्री का डिमांड करते हैं तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता XYZ रीजन की वजह से, तो 70 साल से रहे हुए लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके इन लोगों को कैसे बताएंगे? एक पॉइंट ये,
दूसरा पॉइंट ये कि जो लोग माइग्रेट होकर नॉन मुस्लिम अदर कंट्री से यहाँ आ रहे हैं, उनको आप सिटीजनशिप देने की बात कर रहे हैं कैब के थ्रू, तो उनके डॉक्यूमेंट्स आप बना के दे रहे हो, और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आप बना कर नहीं दोगे, उनको कहाँ भेजोगे आप, उनके साथ क्या होगा? आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इससे सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ये गांधी जी का रास्ता। यूथ से बात करना चाहूँगा, कोई यूथ है यहाँ पे? बोलिए। आप किस तरह से देखते हैं जो ये हो रहा है, और जामिया में जो इसी चीज़ को लेके विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में, और फिर उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का वहाँ पे मामला रहा, वो सारी चीज़ों को और ये सारे प्रोटेस्ट को कैसा देखते हैं आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मोदी सरकार बैठी है तब से क्या मुसलमान का काम ये रह गया सड़कों पे आने का? तब से यही रह गया है क्या मुसलमानों का काम सड़कों पे आने का? तीन तलाक देकर सड़कों पे आए हम। आपको क्या लगता है ये मुसलमानों पे हमला है कि संविधान पे हमला है? ये संविधान पे हमला है, ये मुसलमान तो मुसलमान सिर्फ एक बात है कि मुसलमान का है, लेकिन ये देश के संविधान पे हमला ही है। एक मिनट यार, कोई एक बोलो ना यार, ये जो है कोई एक बोलो यार, ये प्लस एनआरसी के खिलाफ हुई है, ये आया प्रोटेक्ट मीडिया ऐसा कर रहा है कि सीए के खिलाफ है, बट एक्चुअली ये नहीं देख रहे कि दोनों चीजें कनेक्टेड है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उससे सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि मुस्लिमों के खिलाफ ये गैर इंसाफ वाला काम हो रहा है। आप देखिए, गौर चीज कीजिए, जैसे कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि सीए से मुसलमान को कुछ नहीं हो रहा, बात सही है, बट वो अलग नहीं है, कनेक्टेड उससे है। सीएए में आप 2014 के पहले की बात कर रहे हो, अब जो मुसलमान जो यहाँ का जो एनआरसी का है मसला, एनआरसी में आपको पुराने सब डॉक्यूमेंट्स देना है, जो हिंदू अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो सीएए के तहत नेशनलिटी पा जाएंगे, उन मुसलमानों का क्या हो रहा है? ये आपको क्या लगता है कि ये फैसला गवर्नमेंट ने किस लिए किया? बिल्कुल वोट बैंक है ही और कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा अपने आप एक वोट बैंक बना के क्या बनाना है, कोई मुद्दे है नहीं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम वाले लड़ाई करके अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे। इसे संविधान के नुकसान के तौर पर क्या देखते हैं आप? बिल्कुल संविधान के तौर पर नुकसान ही है ना, इसमें इंसाफ का है? आप, मैं बोल रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब पार्टी को छोड़ो, फैक्ट निकाल के बताओ कि इसमें सच्चाई कहाँ से हो रही है। आप दोनों चीज़ों को मिला के बताइए कि दोनों में बैठता है क्या बराबर, ये हर पक्ष के लिए बराबर हो रहा है क्या? ये बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, कैसे नहीं है? अगर सी ए आपको रोकते हुए थोड़ा सा यूँ करूँगा, क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा सा रिजेक्ट कैप करके एक बैनर आ रहा है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। तो आपके रूल्स बोल रहे हैं, मैं उसके मुताबिक बोल रहा हूँ कि 2014 के पहले जो भी आ गए हैं, अब एक हिंदू और एक मुस्लिम को आप कंपेयर कीजिए कि एक आदमी समझ लीजिए, मैं अगर 10 साल के पहले का एक मुसलमान और एक हिंदू है, हिंदू अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो सीएए की वजह से वो आ जा रहा है, नेशनलिटी में आ जा रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है? मुसलमान को बोल रहे आप डॉक्यूमेंट लाओ, यानी जो आदमी यहाँ घर में रह रहा है 20 साल से आप उसको निकालने की तैयारी में हो, और जो अभी नहीं है उसको लाने की तैयारी में हो, ये कौन सा इंसाफ है? आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकती है तो बताओ। भारी भीड़ है माशाल्लाह, बहुत भारी भीड़ है, अल्लाह ये जज्बे को बनाए रखे, कामयाब रखे। हम लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं, एनआरसी और सीएए का जो एक्ट आने वाला है उसके लिए हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, आ चुका है एनआरसी का जो रूल्स आने वाला है उसमें जो धर्म के खिलाफ जो भेदभाव करके मुसलमानों को जिनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं मिलते हैं या उनका कुछ डिस्क्रिमिनेशन करके उनको यहाँ से बाहर किया जाएगा, वो एक गलत है। बाहर के लोगों को धर्म के आधार पर आप अंदर ले रहे हो और अंदर के ही लोगों को धर्म के आधार पर आप बाहर कर रहे हो, ये इसका हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। और जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है कि लोग इस पर बहुत ही मतलब इसमें गुमराह हैं, उन्हें सही नहीं मालूम है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है और विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित बताया जा रहा है। गवर्नमेंट का ये कहना सही है, अगर ये इतना बड़ा मजबा यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है, मेरे हिसाब से 98% लोग एजुकेटेड हैं और पढ़े लिखे हैं, तो क्या ये समझदार नहीं है क्या? ये मतलब गवर्नमेंट का क्या बोलना है, ये अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है। जो अमित शाह का कहना है कि बेवजह परेशान हो रहा है, अमित शाह खुद परेशान हो रहा है बेचारा, डायबिटीज और शुगर की बीमारी से परेशान है वो, अल्लाह उसको सेहत याबी दे और यहाँ का उसको गृह मंत्री बनाए रखे, और हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। यहाँ पे और लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, किस लिए आए आप? भाई मैं अपनी माइनॉरिटी का साथ देने के लिए आया हूँ, और मुझे अभी इस स्थिति में शायर अल्लामा इकबाल का एक शेर बहुत याद अच्छी तरीके से याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे है मुसलमानों, और दास्तान में भी दास्तान ना होंगी तुम्हारी। ये पिछले 70-75 साल से सत्ता में रहने वाली गवर्नमेंट ने भी यही काम किया, और ये चोर गवर्नमेंट भी यही कर रही है। बाकी सोल्यूशन प्रॉब्लम खड़े करना इनका मकसद था, कर दिए, अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया प्रयत्न किया जा रहा है कि मुसलमान परेशान रहे, बाकी कुछ सोल्यूशन ये देने वाले नहीं है। और कहाँ से आए? नागपुर से? हाँ, नागपुर से ही है इस पेशा में। और मेरे कहने का मतलब ये है कि हर मुसलमान के पास या हर नागरिक
आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये परेशान करने के अलावा ये झूठी गवर्नमेंट और गिरे पड़े प्रधानमंत्री, गिरे पड़े गृह मंत्री, ये समझ जाए कि जनता अब इनके झांसे में आने वाली है नहीं। इन्होंने अपना एक्शन जो रिप्लाई दिया हुआ है ये वापस ले। आपका नाम? इमरान अहमद। आप अभी बोल रहे थे कि आप शेरो शायरी के ज़रिए अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ूंगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा। और डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत अच्छा शेर कहा है कि लगेंगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप शायर हैं? हिंदुस्तान में अमन और मोहब्बत चाहते हैं। आप शायर हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। ये युवा शायर हमारे साथ इमरान अहमद हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तान में अमन मोहब्बत चाहते हैं। हमारा मजहब दुनिया को इंसानियत सिखाता है। हम नफरत की बिल्कुल खिलाफ है। ये जो बिल लाए हैं इससे हिंदुस्तान में सिर्फ नफरत पैदा होंगी, और हम ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में नफरत हो। दो मिनट में आपको रोकना चाहूँगा ये फोटो के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फोटो का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन, एक सेकुलर इंडिया का जो कलेक्शन है। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये आप लोग कहाँ, नागपुर से? हाँ, नागपुर से। तो ये क्या बोलते हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी और APJ अब्दुल कलाम की फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं आप, तो क्या इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं?